हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे। नमक पारे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चाय के साथ हो या किसी टाइम भी आपका स्नैक्स वगैरह खाने का दिल करे तो आप इन्हें ज़रूर बना के रख लें घर पे। ये बहुत दिन तक चल भी जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इनका आटा लगा लेते हैं। पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम यहाँ पे एक कटोरी मैदा ले लेंगे छाना हुआ और एक कटोरी हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेंगे। एक चम्मच हम यहाँ पे अजवाइन डाल लेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे। अजवाइन से नमक पारे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आधा चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे। इसे आटे में बहुत अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे आटे में नमक और अजवाइन अच्छे से मिल जाए। अब हम यहाँ पे तेल डाल लेंगे। जितना हमने आटा लिया है उसका 1/4 हम यहाँ पे तेल डाल लेंगे। जैसे कि हमने 2 कटोरी आटा लिया है तो हम यहाँ पे आधी कटोरी तेल डालेंगे। थोड़ा आप आधी कटोरी से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना डाले, नहीं तो हमारे नमक पारे फट जाएंगे। और इन्हें मोयन को हम अच्छे से मिला लेंगे आटे में। अच्छे से मोयन मिल गया है। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, और हमें इसका थोड़ा सा सख्त आटा तैयार करना है। आपको सख्त आटा लगाना है इसका। अब हम इसे ढक के रख देंगे। कम से कम हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है, आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे और अच्छे से थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे और अच्छे से एक दो बार मल लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इसे और सॉफ्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सख्त आटा है तो थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। अब हम इसे बेल लेंगे। आपको यहाँ पे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, आप तेल लगा के बेलें। और इस तरीके से आपको जिस शेप के नमक पारे चाहिए वैसे आप चाकू से उसी शेप बना ले वैसे ही। तो देखिए हमने नमक पारे काट लिए हैं लंबाई में। अब हम दूसरे वाले का भी बना देते हैं। तो बस हमारे सारे नमक पारे हमने काट लिए हैं और आप इन्हें प्लेट में अलग अलग करके रखें। वैसे तो ये चिपकेंगे नहीं, फिर भी आप एक साथ ना डालें। अब हमने इन्हें तेल में डाल देंगे। तेल का जो फ्लेम होना चाहिए वो बिल्कुल लो होना चाहिए। पहले आप तेल को गर्म कर लें, उसके बाद इसकी फ्लेम को लो करें। और हमें हल्के गरम तेल में नमक पारे डालने हैं। अगर हम तेज तेल में डालेंगे तो नमक पारे फट जाएंगे, बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो आपको हल्के गरम तेल में ही इन्हें फ्राई करना है। कम से कम 6-7 मिनट का टाइम लग जाएगा, तभी ये बहुत अच्छे से अंदर तक पकेंगे और बहुत क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो देखिए ये जब खुद ही तैर के ऊपर आ जाए तो आप इन्हें थोड़ा सा इधर उधर कर लें चम्मच से, उलट पलट कर लें और फिर निकाल लें। देखिए तेल का जब सारा झाग खत्म हो जाए तो समझिए कि हमारे नमक पारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और जब हमारे नमक पारे अच्छे से अंदर से फ्राई हो जाते हैं तो वो तैर के खुद ही ऊपर आ जाते हैं, तेल में ऊपर तैरने लगते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि नमक पारे हमारे फ्राई हो गए हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन तो इन्हें नहीं करना होता है, नहीं तो ये जले जले से हो जाते हैं। तो इससे आप पता लगा लें और तेल की झाग भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये रही मेरी रेसिपी आज की। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।